हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज। दोस्तों आज के इस व्लॉग में हम ज़ियारत करने वाले हैं हज़रत शेख सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई उर्फ सरवर मखदूम, जो कि नांदेड़ ज़िले के कंधार गांव में स्थित एक ऐतिहासिक दरगाह है। तो आज हम इन्हीं की ज़ियारत करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहे। और दोस्तों यहाँ पे कबूतर के लिए बहुत ही खूबसूरत मटकों को दीवार के ऊपर लगाया गया है। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत दिख रहे हैं और बड़े मजे से यहाँ पे बड़े आराम से कबूतर रहते हैं। इन्हीं मटकों के अंदर वो अंडे वगैरह देते हैं। तो दोस्तों यह है दरगाह हजरत शेख सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई उर्फ हाजी सरवर मखदूम कंधारी दखन में है, एक ऐतिहासिक दरगाह है। तो आज हम इन्हीं की ज़ियारत करेंगे। एंट्रेंस के ऊपर एक खूबसूरत गेट देख सकते हैं कि आप, काफ़ी पुराना। दोस्तों यहाँ हर मज़हब के लोग आपकी ज़ियारत और मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। इस दरगाह के मकबरे का निर्माण करीब 750 साल पहले हुआ था, 736 हिजरी में। दोस्तों हजरत के बुजुर्ग इराक के रहने वाले थे। हजरत साहब को अय्यारी का बड़ा शौक था, इसलिए उन्होंने कई मुल्कों का सफर किया। उन्होंने मदीना में रहकर इकामत इख्तियार किया और उसके बाद वे दिल्ली आए। उस वक्त दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक की हुकूमत थी और जब उन्होंने दिल्ली के तमाम बाशिंदों को दौलताबाद जाने का फरमान जारी किया, इसमें हजरत सरवर मखदूम थे। 725 हिजरी में आप दौलताबाद आए और दौलताबाद से आप कंधार आए। कंधार आपको काफी पसंद आया और आपने कंधार में रहकर लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। हजरत दिन रात लोगों की खिदमत में मशरूफ रहते थे। यहाँ हजरत के लंगर चलते थे जहाँ कई लोग आकर खाना खाते थे। खिदमत खल्क यानी समाज की खिदमत करना उनके लिए इबादत के समान था। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक काफी बड़ा और शानदार मकबरा हजरत की मज़ार के ऊपर तामीर है। और ये है मज़ार हजरत शेख सैयद सईदुद्दीन रफ़ाई उर्फ हाजी सरवर मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की। खिदमत खल्क यानी समाज की खिदमत करना उनके लिए इबादत के समान था, इसी वजह से आपको मखदूम का दर्जा दिया गया है। ये कितने साल पुराने करके हजरत? ये 708वां साल ख़त्म हो चुका है। अब ये रजब की 16 तारीख को 9वां चालू हो जाता है, 9वां ख़त्म हो जाता है। अच्छा। और आप बसेरे से आए वाले हैं, आप पालकी के साथ आए वाले हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के आप मुर्शद हैं, मुरीद हैं। आप निज़ामुद्दीन औलिया की जनाजा नमाज अदा किए वाले हैं। दिल्ली में आपका क़याम था, दिल्ली से फिर पंजाब आए हैं, पंजाब से क़याम करते करते यहाँ पर आए हैं। इस कंधार शरीफ में रक्कासों का गांव था जिसमें मुसलमान एक भी नहीं था। इस दौर में आप यहाँ तशरीफ़ शुदा आए हैं। आपने यहाँ पर बहुत से करामत किए हैं। जिस वक्त यहाँ पर एक गुल टेकरी बोलकर यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर फासले पर है, वहाँ पे आपका ख़याम रहा है। वहाँ पर आपने वज़ू के लिए पानी तलाश किया, पानी कहीं नज़र नहीं आया। आपने अपने करुंगली से चश्मे को जाया धोया है। उस वक्त के दौर में पानी की बड़ी किल्लत होती थी। उस दौर में आपको अल्लाह के हुक्म से वहाँ पर चश्मा जारी हुआ है। उस चश्मे से लोग आज भी शिफा लेते हैं, जिसमें जरासीम और खारिज वगैरह जो होती है उस पानी नहाने से या जिस्म पे लगाने से शिफा मिलती है। आज भी काफ़ी लोग उससे उसूल किया करते हैं। पानी पीने से शिफा होती है, उससे
आज मंदार शरीफ में बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पर जा के ज़ियारत करते हैं। छिल्ला कशी है आपका सरवर मखदूम हाजी सीनिया सैयद सरवर रफाई, उनका छिल्ला कशी पर वहाँ पर ज़ियारत करते हैं। रोज़ाए हज़रता हाजेफा बीबी अमीना साहिबा, यानी कि ये मज़ार हज़रत के घर वालों की बीबी अमीना साहिबा की ये मज़ार है, जो कि हज़रत के मज़ार के पास ही में है। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यहाँ पे ये चराग लगाने की जगह है, यहाँ पे पीतल के चराग जो कि काफ़ी बड़े है, और ये है मज़ार हज़रत बीबी अमीना रहमतुल्लाह अलैह की। दरगाह के अंदर मस्जिद भी है, जहां लोग नमाज अदा करने के बाद ज़ियारत को जाते हैं। दरगाह के एरिया में और भी मज़ारे है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी मज़ारे है, पूरे दरगाह में आपको मज़ारे देखने मिलेंगे। और ये है मस्जिद दोस्तों, यहाँ पे हर जुमेरात के दिन बाद नमाज मगरिब यानी मगरिब की नमाज के बाद 7 बार अजान दी जाती है, क्योंकि इसी दिन हजरत ने कंधार में आकर अपनी मुरीदों के साथ 7 अजानें दी थी, तभी से यह सिलसिला जारी है। 7 अजान देने का मकसद ये था हजरत का, क्योंकि यहाँ पे जो भी बला बस्तर थे, जो भी भूत प्रस्तुत थी, जादू टोना था, और 7 अजान देने के बाद में यहाँ से सब कुछ ठीक हो गया। इसीलिए यहाँ पे हर जुमेरात के दिन बाद नमाज मगरिब के 7 बार अजान दी जाती है। मस्जिद के कंस्ट्रक्शन के देखें तो सारी मस्जिद पत्थर में बनी हुई है, देख सकते हैं आप ये बड़े बड़े पत्थर को, जो कि टोटली मस्जिद ये जो है पत्थर में बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ से जंजीर का रास्ता, तो अभी हम जंजीर को जाके देखेंगे, जिसको छूने से अपनी जो मन्नत और मुरादें वो पूरी होती है, जो कि ठीक हजरत के मज़ार के पीछे है। तो अभी हम वही जाके देखेंगे, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी मज़ारे हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारी मज़ारे है, तो दोस्तों यही है वो जंजीर जिसे जंप मार के छूना होता है, दिल में अपने मन्नत और मुराद रख के जंप मार के इसे छूना होता है, तो सारी अपनी जो मन्नत और मुरादें पूरी होती है। ये भी हजरत के समय से ही यहाँ पे है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मज़ारे हैं जो कि हजरत के पोते है, ये वाले सिराजुद्दीन और ये वाले नजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है, जो कि हजरत के पोते है, और हजरत के मज़ार के ठीक पीछे ही इनके मज़ारे है। और भाई ये 2 किसके मज़ारे? उनके साथ में रहते थे। अच्छा, उनके साथ ही है। और दोस्तों ये जो 2 मज़ारे है ये इनके साथ ही है, जो कि इनके पास में इन्हें दफन किया हुआ है। काफ़ी पुरानी दरगाह आप देख सकते हैं, हमने जंजीर देखी है, हजरत की मज़ार देखी है, हजरत के घर वालों की मज़ार देखी है। अभी यहाँ से ऊपर जाके गुंबद देखेंगे हम, जो कि हजरत के मज़ार के ऊपर तामीर है। ये वो गुंबद है, और यहाँ से आप जगतुम्बा
तालाब देख सकते हैं जो कि महाराष्ट्र का सबसे पुराना तालाब है। तकरीबन 1500 साल पुराना ये तालाब है। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण किया हुआ ये तालाब। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ज्यारत कराई है हजरत शेख सैयद सईदुद्दीन रफई उर्फ हाजी सरवर मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।